हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो है कि चंद आज जो सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स लग रहे हैं और उसके साथ अमावस भी है। कार्तिक के अमावस शुरू हुआ था मंडे, मतलब कल के शाम के 5:30 बजे से 17:25 17:26 ऐसे स्टार्ट हुआ था, और आज की शाम के 4:30 बजे 14:16:20:21 तक रहेगी। और उसी दौरान सूर्य ग्रहण भी चल रहे, सोलर इक्लिप्स भी चल रहे, तो इसी के वजह से कई सारे परिवर्तन होंगे। हर राशि में अच्छे बुरे कुछ ना कुछ परिवर्तन रहेगा, और वो रहेंगे नवंबर 16 तक बहुत जोर तोर से रहेंगे, और दिसंबर 1-2 तारीख तक भी कुछ लोगों के ऊपर रहेंगे, कुछ राशियों के ऊपर। उसके बाद वो परिवर्तन से सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। तो वो परिवर्तन क्या होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो सूर्य ग्रहण के टाइम मैं बता देती हूँ आपके। इंडियन टाइमिंग्स के मुताबिक 4:30 बजे लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखे जाए कि पूरे विश्व के मुताबिक तो 14:29 मतलब दोपहर के 2:30 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक सूर्य ग्रहण के टाइम है। आज के दोपहर के 14:29 से लेके शाम के 6:30 बजे तक है, मतलब 25 अक्टूबर आज के दिन होंगे। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैं बता रही हूँ, भारत के टाइम बता रही हूँ। इस टाइम में सूर्य ग्रहण लगेंगे, और जो अमावस है वो कल शाम के 5:30 बजे से शुरू हो गए और करीब करीब 4:30 बजे खत्म हो रही है। तो सूर्य ग्रहण और अमावस इकट्ठा आ रही है, और ये डार्केस्ट डे ऑफ द ईयर है, मतलब ये जो अमावस है ये सबसे डार्क अमावस है तो साल भर के कार्तिकीय अमावस जिसमें काली पूजा भी होते हैं इसी कारण से। तो ये दोनों इकट्ठा चलने के कारण जो है सूर्य के जो घोर अमावस और उसके साथ जो है सूर्य ग्रहण, तो काफी राशियों में काफी सारे चेंजेस होंगे। लेकिन स्पेशली जिनके नक्षत्र जन्म के टाइम में जन्म जन जब आप जन्म जब पैदा हो रहे थे उस टाइम में जिनके नक्षत्र है विशाखा चित्रा, उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर आएंगे। विशाखा चित्रा स्वाति ये तीनों जो नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जैसे कि आप अगर अपने हॉरोस्कोप खोलते हो या जन्म पत्रिका खोलते हो, बार चार्ट खोलते हो, कुंडली खोलते हो, तो आपको दिखेंगे कि तीन राशि तीन जो है तीन नक्षत्र के नाम विशाखा चित्रा एंड स्वाति। अगर ये तीनों नक्षत्र आपके राशि में मतलब आपके जन्म के लगन में है, जन्म के टाइम में राशि नक्षत्र लिखा रहते हैं, जैसे मेरे जन्म के टाइम में कुछ राशि लिखा है, किसी के जन्म के टाइम में फाल्गुनी नक्षत्र हो सकते हैं, किसी के जन्म के टाइम में उत्तरा नक्षत्र हो सकते हैं, तो हर किसी के जन्म के टाइम में कोई नक्षत्र होती है। जिनकी चित्रा स्वाति एंड विशाखा ये तीनों नक्षत्र में से रहेगा जन्म के टाइम में, इस टाइम के नक्षत्र आप हॉरोस्कोप या बार चार्ट देखो उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर आएंगे। और दूसरे जो उन लोगों के ऊपर असर आएंगे जो लोग बेसिकली जिनके शुक्र के दशा चल रहे, शुक्र के दशा अगर आपके चल रहे और उसके साथ सूर्य की ये जो नीच दशा है, ये बेसिकली नीच दशा है क्योंकि सूर्य इस सूर्य ग्रहण के बाद 17 अक्टूबर से सूर्य जो है लिब्रा राशि जो तुला राशि में ऑलरेडी चल रहे, जो नीच राशि है और व्यापार के राशि होती है तुला राशि, तो नीच राशि में चल रहे हैं, और ऊपर से सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, तो ये जो नीच स्थल में जा रहे हैं सूर्य, सूर्य तो अधिपति है और उनके अहंकार भी होते हैं, उनके बहुत ज्यादा ताकत भी है, वो फेमस भी है, तो वो जो नीच राशि में चल रहे हैं तो थोड़ा उनको मतलब ऐसे है कि मैं नीच राशि में हूँ ऑलरेडी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको शुरू हुए होंगे 17 अक्टूबर से। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद में भी ये सूर्य ग्रहण के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे वो नीच राशि वाले के लिए, और खास करके नीच राशि में जा रही है इस रीजन से। और उसके साथ साथ जो लोग शुक्र शुक्र जो है शुक्र के साथ जिनके मतलब है बेसिकली, उनके भी मैं देख रही हूँ कि शुक्र दशा जिनके चल रहा है तो उनके साथ, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों के बीच में बनता नहीं है, जमते नहीं है, तो शुक्र शनि इनके जो दशा जिनके चल रहे हैं उनको और ज्यादा ट्रबल दे सकते हैं। तो हर राशि के राशि फल डिस्कस करेंगे, और सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार करना है या सूर्य के साथ आपको बेसिकली कनेक्शन
कैसे रखना है या उस चीजों को ठीक करना है, उसके सारे के सोल्यूशन भी, उपाय भी मैं बताऊंगी, लेकिन राशिफल भी मैं बताऊंगी। तो ये रहा आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना है। अगर चैंटिंग कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो या कुछ पढ़ सकते हो तो वो सारे करिए। पानी वानी खाना वाना मत पी खाइए। और सूर्य ग्रहण के दौरान जो है आप लोग प्लीज ये टॉयलेट वगैरह ये सारी चीजें अवॉइड करें, नहाना धोना ये सारी चीजों को बंद करके पूजा पाठ में, उससे पहले करके ही पूजा पाठ में आप बैठ जाओ, पूजा पाठ करने लगो, भक्ति दिखाने लगो, तो सूर्य जो है थोड़ा संतुष्ट रहेंगे। आप जो है, आप कोई भी सूर्य ग्रहण के दौरान, जो सूर्य ग्रहण के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है उनके सोल्यूशन मैं बता देती हूँ। एकमात्र रेमेडी जो है, एकमात्र रेमेडी है सेवन चक्रा हीलिंग। मेरे चैनल में आप जाओ, सेवन चक्रा हीलिंग लिखो, 888 ASMR हील बाय आर्या, वहां पर सेवन चक्रा की हीलिंग आती है। सेवन चक्रा की हीलिंग के सेशन आप आज से स्टार्ट करो, एटलीस्ट 16th of November तक रेगुलर बेसिस में लो। आपके ये जो सूर्य ग्रहण के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके धीरे 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 ठीक हो जाएंगे। आप राशिफल में चलेंगे, क्विकली देखेंगे कि आपके राशिफल क्या है। हर राशि के राशिफल देखेंगे सूर्य ग्रहण के बाद उनके जो है, और अमावस के बाद, ये जो कौशिक अमावस के बाद उनका राशि में क्या चेंजेस आ रही है। ये जो राशि के मैं राशिफल बोल रही हूँ ये आपके जन्म पत्रिका के मुताबिक या बार्थ चार्ट या हॉरोस्कोप के मुताबिक है। तो पहला जो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ एंड फाइव ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स, ये है मेष राशि यानी कि एरीज के बारे में बोल रही हूँ। तो क्योंकि मैंने बोला कि सूर्य थोड़ा नीचे राशि में जा रही है तो थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकते हैं। आगे के 4 या 5 हफ्ते के लिए, 4 to 5 weeks के लिए आपके थोड़ा बहुत लॉस है। जैसे कोई आपके बहुत ज्यादा क्लोज है वो आपके लाइफ से चले जाएंगे और कुछ दिनों के लिए उनके साथ अनबन या सेपरेशन हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि मेष राशि वाले के आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप रहोगे और बहुत अच्छा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे। और उसी दौरान आपको कई सारे जैसे कि स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज भी मिल सकते हैं। जैसे आपको अचानक ही कोई सपना ऐसे आ सकते हैं जो बेसिकली फ्यूचर बताते हो। और एक चीज है कि आपके, अगर अच्छी बात है कि अगर आपके, आप कोई जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो, कोई जॉब के इंटरव्यू दे के आए हो, कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख के आए हो, उसके रिजल्ट आना है, या कहीं पर डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वीजा के लिए, वो सारे क्लियर होते हुए दिख रहा है। लेकिन कोई आपके लव्ड वन रहेंगे, लव्ड वन मतलब जैसे जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो सकता है आपके घर के ही कोई हो या बाहर के कोई हो, कोई लव्ड वन रहेंगे जिनके साथ आपके बिल्कुल जो अटैचमेंट है, और वो आपके लाइफ से इधर तो सेपरेट हो जाएंगे या कहीं दूर के सिटी में रिलोकेट हो जाएंगे। वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कंपेनियन स्पाउस भी हो सकते हैं, और या आपके घर में कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसे इंसान थोड़ा दूर के सिटी में चले जाएंगे या उनके साथ अनबन हो सकते हैं। मेष राशि के बाद वृषभ राशि यानी कि बेसिकली टॉरस। टॉरस आपके लिए बहुत अच्छा आ रही है, सूर्य ग्रहण के बाद में भी बहुत अच्छा आ रही है। ऐसे दिख रहे हैं कि जो लोग आपको छोड़ के गए थे वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, और धीरे धीरे आप कोई ना कोई ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओगे पैसा कमाने के लिए, या आपके कंपनी में ऐसे कुछ होंगे, जिस कंपनी में काम करते हो, जहाँ काम करते हो, कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगा जहाँ पर आपके काम के लिए, काम को मतलब रिवॉर्ड मिलेंगे और आपके पास थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएंगे। या आप कोई ऐसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो 16th of November के बीच में ये टाइम आपके लिए अच्छा है, आप कर लो बिजनेस। कोई ऐसे इंसान जो एक्स थे छोड़ के गया है उनके लिए मैं देख रही हूँ, वो वापस आते हुए कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में था, लेकिन वो थर्ड पार्टी कनेक्शन सब कुछ खत्म होके आपके पास वो वापस आते हुए। मैजिशियन के कार्ड आ रही है, मतलब अभी तक जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, कोई बंगलो खरीदना चाहते हो, वो आपके लिए होते हुए मैं देख रही हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। जेमिनाई के देखेंगे कि जेमिनाई के क्या है, जेमिनाई यानी कि आपके मिथुन राशि का क्या रीडिंग है।
मिथुन राशि में आपको क्या ही बताओ, आपके लिए आ रहे सन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ही अच्छा है। जहां पर कोई पैसा रुका हुआ था, कहीं पर इन्वेस्ट किए थे, या जहां पर भी आप बिजनेस प्लानिंग वगैरह कर रहे हो नहीं रहा है या हो नहीं पाया है, वो सारी चीजें होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और सन के कार्ड बताते हैं कि हर रुका हुआ काम होंगे, अगर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई जॉब हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जॉब जो भी है, आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके सक्सेस ही सक्सेस है। तो मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के कोई सोचने की बात नहीं है, बहुत अच्छा आ रही है। इसके बाद मैं देख रही हूँ कर्क राशि यानी कि कैंसर। रुका हुआ चीजें मिथुन राशि आपके होंगे, लेकिन कोई नया डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज नया डिसीजन मत लेना। कर्क राशि यानी कि कैंसर, स्ट्रेंथ फाइव ऑफ शोर्ड्स एंड एम्पेरियर के कार्ड। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि लड़ाई तो होंगे, लेकिन लड़ाई सॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके खो गए थे कैंसर के, वो आएंगे। और आप एक रूल्स करते हुए दिख रहे हैं, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे कोई कंपनी में हो, चाहे कहीं पर भी काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, घर में हो, आप रूल्स करते हुए दिख रहे हैं कि आप सारे लोगों का ख्याल रख रहे हो। आपके हाथ में अचानक ही जैसे जादू की छड़ी आ गया है, इस तरीका से होंगे। आप देखते हैं कर्क राशि यानी कैंसर के बाद लियो यानी के सिंह राशि का क्या आ रही है। सिंह राशि इस दौरान क्या होंगे, सिंह राशि के फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ शोर्ड्स। आपके जो करीबी कुछ लोग होंगे, रिश्तेदार हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फैमिली पर्सन हो, या किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई एक्स हो, उनके साथ अचानक ही आपके इंटरनेट के द्वारा या आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीका के कुछ ना कुछ, यूट्यूब द्वारा कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेंगे, और उनके साथ आपके बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। कई बार आप मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हो, या किसी के साथ आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने शायद वो आप पूछोगे तो मना कर देंगे कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन सेम टाइम में मैं देख रहा हूँ आपको बड़े पोजीशन मिलते हुए, और अगर आपने कोई वीजा के लिए अप्लाई किया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, या बाहर जाना चाहते हो, वो काम आपके क्लियर होते हुए, तो आप कहीं ना कहीं पर ट्रैवल भी करोगे विद इन 16th of November, जो है सिंह राशि वाले। सिंह राशि के बाद जो आ रही है, सिंह राशि यानी कि लियो के बाद जो आ रही है कन्या राशि। कन्या राशि यानी कि वर्गो को देखेंगे कि वर्गो के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रही है। थोड़ा आप कंफ्यूज रहोगे वर्गो, जैसे कि आप कोई ना कोई ना बिना समझ के कोई ना कोई कदम ऐसे ले लोगे जहां पर आपको थोड़ा पश्चाताप होंगे कि ये मैंने रिस्क लिया तो क्यों लिया। और मैं देख रही हूँ कि थोड़ा आप परेशान भी रहोगे इस चीजों को लेके, काफी ज्यादा मेंटल एगोनी रहेंगे, काफी ज्यादा टेंशन रहेंगे, पैसा को लेके खास करके टेंशन रहेगा, या पैसा के मैटर में स्ट्रगल रहेंगे। लेकिन अगर आपके लव रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ, तो कुछ ना कुछ न्यू लव कनेक्शन आपके बिल्ड होंगे, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनेंगे, और आगे चल के शायद आप उनके साथ मैरिज के डिसीजन भी लो। अगर आपके पुराना लव है, आपके उनके साथ अनबन चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या उनके साथ बातचीत नहीं होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से बात हो जाएंगे। लेकिन सेम टाइम में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा मेंटल एगोनी और हेल्थ इश्यूज काफी रह सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके माइंड थोड़ा मतलब दोनों तरफ चलेंगे कि ये करूँ या नहीं करूँ, ऐसे कुछ कुछ डिसीजन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कुछ रिस्क लेके ऐसे कोई कदम ले लोगे जिससे आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल काफी हो जाएंगे, काफी ज्यादा आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल रहेगी। तो ये है आपके बेसिकली जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। आप तुला राशि के देखेंगे, तुला राशि यानी कि लिब्रा, उनके क्या रीडिंग आते हैं देखते हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले, तुला राशि यानी कि लिब्रा, लिब्रा आपके लिए बहुत अच्छा है। इमोशनल टाइम भी अच्छा है, हेल्थ भी आपके अच्छा रहेंगे, और कोई ना कोई अच्छे पोजीशन भी मिलेंगे। चाहे आप कोई फ्रेशर्स हो, अच्छा जॉब मिलने की चांसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर होने की चांसेस, या आप कोई जॉब कहीं पर काम करो तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा पोजिशन मिलने की चांसेस, प्रमोशन होने की चांसेस। और आपको इस टाइम में जिनके लिए फीलिंग्स है, आपके मन में जिनके लिए फीलिंग्स है, मुझे लगता है कि वो भी अपने मन के
फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर करेंगे। तो आपके काफी अच्छा टाइम है लिब्रा, आपके लिए काफी अच्छा टाइम है, खास करके करियर में एंड हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम था वो सारी चीजें खत्म होते हुए और आपकी चीजें ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है। जो भी आप करोगे उसमें काफी सक्सेस है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई सिचुएशन में जहाँ पर आप लीगल मैटर वगैरह में फंसा हुआ था, वो फंसे हुए लीगल मैटर से आप निकलते हुए, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा कार्ड्स है, जैसे कि आप कोई ना कोई हायर एजुकेशन या कोई सर्टिफिकेशन इस तरीके के कुछ करने की प्लान करोगे एंड आप कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में। बट सेम टाइम आपको फैमिली प्रेशर रहेंगे, फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल एगोनी वगैरह रह सकते या हेल्थ इश्यूज आपके रह सकते हैं। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो हो सकता है कि आपको कोई नया जॉब मिले इस तरीका के, किसी भी तरीका के टीचिंग करते हो, ट्रेनर हो या डॉक्टर हो, डॉक्टर्स के टीचिंग करते हो, तो वहां पर शायद आपको कोई नया जॉब मिल सकते हैं। इसके बाद स्कॉर्पियो के बाद आ रही है कि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले के लिए देखेंगे कि क्या है। धनु राशि वाले के लिए देखेंगे क्या है। बहुत ही अच्छा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, जैसे कि आपके जो भी प्रॉब्लम मनी रिलेटेड था वो सारी चीज खत्म होते हुए, अगर लोन है तो वो खत्म होते हुए, कोई जगह पे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो खत्म हो जाएंगे और प्रमोशन मिल जाएंगे, कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो खत्म होके आपको प्रमोशन हो जाएंगे, और कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सनैलिटी के रहेंगे। पहले तो आप उन्हें लेके बहुत कंफ्यूज रहोगे लेकिन बाद में उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनेंगे, और अगर आप इसमें कोशिश करा, आपने अगर एफोर्ट डाला तो इसी इंसान के साथ आपके शादी हो सकते हैं आगे के लिए। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपके कम्युनिकेशन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनते हुए मैं देख रही हूँ, और डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आप जहां पर भी काम करते हो, जहां पर भी जॉब करते हो, जहां पर भी आपको वीजा कराना है, उन सब चीजों में अगर आप एफोर्ट डालोगे तो ये जो टाइमिंग है आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइमिंग में आपके सक्सेस ही सक्सेस है। इसके बाद देखेंगे धनु राशि के बाद देखेंगे मकर राशि यानी के आपके कैप्रिकॉन, मकर राशि यानी कैप्रिकॉन के क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ शोर्ड्स एंड फोर ऑफ शोर्ड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स। शादी या लव रिलेशनशिप के मैटर में दो सारी चीजें आपके सॉर्ट आउट होते हुए मैं देख रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी चल रहा है तो वो सारी चीजें ठीक होते हुए, बट सेम टाइम मैं करियर में एंड हेल्थ वाइज देख रही हूँ कि आपके बिल्कुल हेल्थ ठीक नहीं रहेंगे, करियर का प्रॉब्लम है, कुछ निगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र के वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अगर शादी या आपके किसी रिलेशनशिप के बारे में बात किया जाए या आपके एक मैरिज कब होंगे इस मैटर में बात किया जाए तो आपके लाइफ में जरूर कोई नया पर्सन आ रही है या मैरिज होने की चांसेस, पुरानी जो भी जिनके साथ रिलेशन है उनके साथ इस तरीके से काफी अच्छा है। अब कैप्रिकॉन के बाद जो है आपके नेक्स्ट आ रही है आपके एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का क्या रीडिंग है देखती हूँ। कुंभ राशि वाले, आपको आपके फ्रेंड्स के तरफ से कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे कि वो आपके सीक्रेट एडमायरर है, उनके साथ आपके काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। कोई ना कोई फ्रेंड्स आपने जो मन की इच्छा है, मन के जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो आपके सामने जाहिर करेंगे और आपको बताएंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ इस तरीके से। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में काफ़ी मुनाफा या प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है, नया कस्टमर्स, नया प्रोजेक्ट्स आते हुए। अगर कहीं पर जॉब करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोशिश करो तो वहां पर भी काफी अच्छा दिख रहा है। और अगर आपके कोई पार्टनर है नहीं और नया कोई पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो कोई ना कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे जिसके साथ आगे में आपके रिलेशनशिप काफी अच्छा हो सकते हैं। और आप देखते हैं कि लास्ट मीन राशि यानी कि पाइसिस के लाइफ में क्या चेंजेस आ रही है वो देखेंगे। द सन के कार्ड पाइसिस, मुझे और कोई कार्ड लेने की जरूरत भी नहीं है, आपके तो टाइम बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चेंजेस आ रही है, तो यहाँ पर कोई भी गलत चीज नहीं है, तो आपके बहुत ही अच्छा टाइम चलेंगे एंड
द बेस्ट टाइम आप एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड्स आई है, तो इसके आगे में कोई कार्ड्स लेने की जरूरत ही नहीं है मुझे। आपके जो भी पेंडिंग चीज था, जो भी चीजें खराब हो रखा था, सब कुछ इस दौरान ठीक हो जाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यही था आज के मॉर्निंग के मैसेजेस। सूर्य ग्रहण के बाद आपके लाइफ में किस तरीका से चेंजेस आ रही है वो उसी के बारे में बताना था। थैंक यू गाइस। और सूर्य ग्रहण के दौरान जो भी मैंने बोला है वो सारी चीजों को ध्यान रखिए। एंड हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।